वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टडी विद एटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रपोजर पेज अ कंसिडरेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर बियरिंग द रिस्क ऑन हिज बिहाफ। वॉट इज दिस कंसिडरेशन नोन एज? इसके बारे में कल हमने बात की थी। तो इसके ऑप्शन है, पहला एनरोलमेंट फी, प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट या बोनस। तो इसका सही जवाब होगा, चलिए आप लोग अपने खुद से ट्राई कर लीजिए। कंसिडरेशन, मैंने कल के लेक्चर में कंसिडरेशन की मैंने बात की थी, तो कंसिडरेशन क्या होता है? प्रीमियम। तो करेक्ट आंसर इज प्रीमियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देर आर 700 कार ओनर्स इन अ सिटी। ऑन एन एवरेज इट इज एक्सपेक्टेड that 2% of cars or 14 cars are likely to meet with an accident. It is expected the loss suffered by each of the 14 cars will be rupees 15,000. मतलब 700 cars हैं एक सिटी में, जिसमें से 2% cars जो हैं वो एक्सीडेंट को मीट कर सकती हैं, और एक एक्सीडेंट में जो लॉस होगा वो 15,000 होगा। तो कितना प्रीमियम कंट्रीब्यूट करेंगे सारे कार ओनर्स मिलके? चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं 100, 200, 300 या 400। देखिए इसको कैसे करेंगे। टोटल लॉस कितना होगा हमारा? 14 कार्स अगर एक्सीडेंट को मीट करिए तो 14 और पर कार में आपका 15,000। सिंपल, टोटल लॉस तो इतना हुआ। अब ये टोटल लॉस कितनी कार्स को पे करना है एज अ प्रीमियम? 700 कार्स को। कैलकुलेशन क्या आएगा? जीरो से जीरो गया, सेवन से टू जा, सो आंसर विल बी 300। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स फेसिंग रिस्क रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड आर कवर्ड बाय हूम। कौन है जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के जो रिस्क होते हैं डिफॉल्ट पेमेंट्स के, कल हमने बात की थी अपने लेक्चर में। सो ऑप्शंस आर ईसीजीसी, टीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आईआरडीए या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एलआईसी तो हो नहीं सकता, एलआईसी को क्या लेना देना है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस हमारे बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको इंश्योर करता है। इरडा तो रेगुलेटर है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस करती ही नहीं, तो बचा क्या? ईसीजीसी, कल हमने पढ़ाया भी था, है ना? सो आंसर इज ईसीजीसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट कंपनी टू कंडक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी है पहली कंपनी जिसने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, और मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में पहले बनी थी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो कौन सी कंपनी थी वो, ध्यान कीजिए, इट वाज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर में जाके देखना है तो आप देख सकते हैं, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी री इंश्योरेंस कंपनी है? विच ऑफ द बिलो इज अ री इंश्योरेंस कंपनी? एलआईसी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करे। तो इसका सही जवाब होगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ईसीजीसी इज ओन्ड बाय, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कल लेक्चर में कवर किया हुआ है। ईसीजीसी कौन ओन करता है? जीआईसी, ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक इंश्योरर। इसका क्या मतलब है ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक इंश्योरर? ठीक है, गवर्नमेंट और ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक जनरल इंश्योरेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन। देखिए अभी एलआईसी की बहुत बातें हो रही हैं, एलआईसी के आईपीओ को लाने की बात हो रही है, उसके एक्ट में कुछ चेंजेस करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज्यादा करंट बेस्ड भी हो गया। ठीक है, 1 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1946, 1 जनवरी 1956, 1 जनवरी 1946। इसका सही जवाब होगा 1 सितंबर 1956। अगला क्वेश्चन,
बर्गलरी इंश्योरेंस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, कल मैंने आपको क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस की क्लास लेते समय क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताया था, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, जनरल, लाइफ इंश्योरेंस, फिर जनरल में आपको सब सब पार्ट्स बताए थे। सो इसका आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस या मिसलेनियस इंश्योरेंस। सो ध्यान करिए, इसका सही जवाब है मिसलेनियस इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, मरीन इंश्योरेंस डील्स विद गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय। जो मरीन इंश्योरेंस है वो डील करता है गुड्स को, गुड्स के ट्रांसपोर्ट को बाय व्हाट, सी, रेल, रोड या ऑल ऑफ दीज। देखिए, मरीन इंश्योरेंस के बारे में कल बताया था, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि मरीन इंश्योरेंस सारे रूट्स कवर करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। जरूरी नहीं है कि मरीन है तो सिर्फ सी रूट कवर करेगा, सारे सारे इंश्योरेंस सारे रूट कवर करेगा। लास्ट क्वेश्चन, इन सम कंट्रीज नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज। कुछ कंट्रीज में नॉन लाइफ इंश्योरेंस को किस नाम से जाना जाता है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। तो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस को इंश्योरेंस होता है कि भैया मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन अगर मेरे से किसी और को डैमेज पहुंचेगा तो वो डैमेज जो पे करेंगे वो होता है क्या नाम है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, फिडेलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? ठीक है, धोखाधड़ी वाला। प्रोफेशनल इंडेमनिटी, डॉक्टर्स लॉयर्स वाला। तो नॉन लाइफ को एक बिगर रूप में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ और एमसीक्यूज की और चैप्टर नंबर 3 की। थैंक यू।